हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक आप लोग अच्छे हो गए। तो निधि ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो ब्लॉग वीडियो है वो है सोनपुर मेला का, और हम लोग अभी बाइक से जा रहे हैं सोनपुर मेला देखने के लिए। और हम लोग अभी गांधी सेतु पुल पर चढ़ चुके हैं, और ये गांधी सेतु पुल जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुल है। और चलते चलते रास्ते में हम लोगों को हाथी और ऊँट दिखा, और मीकू देख के ना इसे बहुत खुश हो रहा था, हाथी और ऊँट को देखकर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सोनपुर मेला। यह जो मेला है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पशु मेला है। पहले के ज़माने में कहते थे कि यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक इस मेले में मिलता है, और आज भी यहाँ के क्षेत्रीय जो नज़दीक के लोग हैं वो इसे हरिहर मेला भी कहते हैं। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ बहुत प्रकार के पशु बिकते हैं इस मेला में, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, बहुत सारे ये पंछी, हर प्रकार के तोता था, बहुत सारा चीज़ मिलता है इस मेले में। तो मैं इस साल जा रही थी घूमने के लिए। पिछले बार स्कूल पे ना गाड़ी नहीं ले जाने दे रही थी, लेकिन इस बार ले जाने दे रही थी तो जाने में सुविधा हुआ। और बगल वाले पुल से ना वो ट्रेन की पटरी है, उससे ट्रेन गुजरती है। तो धूप थी, संडे का दिन था, धूप थी, ठंडी तो उतनी नहीं थी। इस टाइम धूप में क्या भी उतनी ठंडी हमारे यहाँ है नहीं, रात में लगती है, अभी दिन में धूप निकल जाता है तो नहीं लगता। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं सोनपुर, और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं ये गाड़ी लगाने के लिए स्टैंड में, बाइक स्टैंड में बाइक लगाने के लिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए मेला शुरू हो चुका है, बहुत दूर दूर से लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। और हम लोग यहाँ मेन रूप से देखने के लिए आए थे, वो घोड़ा आया हुआ था एक, और एक भैंसा, 2 करोड़ का भैंसा। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि वो घोड़ा भी चला गया है और भैंसा भी नहीं था, हम लोगों को कुछ नहीं दिखा, सारा जा चुका था। ये जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है, और मेला में देख रहे हैं अभी कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ ये जो वो होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के जो आइसक्रीम देते हैं, पकड़ाने से भी नहीं पकड़ में आता है आइसक्रीम, वही आइसक्रीम यहाँ पे बिक रहा था। 100 रुपीज़ का एक आइसक्रीम दे रहे थे। मैं भी सोची कि लूँगी और वीडियो बनाऊँगी, लेकिन 100 रुपीज़ का एक था तो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर देखिए इस मेले में बहुत सारे झूले आए हुए थे, कितनी बड़ी बड़ी झूले, ये देखो भाई। तो वहाँ सामने दिख रहा है वैष्णो माता का गुफा बना हुआ, इसमें टिकट पैसा का 50 या 100 रुपीज़ था, मेरे को ठीक से याद नहीं है, टिकट कटवा के अंदर घूमना रहता है। कितना सारा झूला लगा हुआ है, बहुत सारा झूला था, बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना रहे थे। और पता है मैं पीछे एक बैग टांग के गई थी, एयर बैग, वो बैग मेरा 2-2 बार खुल चुका था पीछे से, यानी कि कुछ चोरी करने का सामान को देख रहा था, लेकिन मुझे स्थानीय बैग में तो मिला नहीं उसे कुछ। तो यहाँ पे रुक कर थोड़ा सा मीकू जूस पीने के लिए बोला था, तो यहाँ पे रुक कर मैं उसे जूस पिलाई थी। यहाँ पे देखिए वो जूस पिया यहाँ पे, उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा तो फिर वो पापा को दे दिया। मुझे भी ये जूस अच्छा नहीं लगता तो मैंने भी नहीं पिया। और इसी के साथ फिर हम लोग घूमते घूमते आ गए घोड़ा देखने के लिए। यहाँ तो हमें जो घोड़ा देखने के लिए आए थे वो घोड़ा हमें मिला नहीं, तो जो घोड़ा, जिन लोगों को घोड़ा पसंद होगा वो यहाँ आकर ज़रूर घोड़ा लें, घोड़े की सवारी करें, बहुत अच्छा अच्छा प्रजाति का घोड़ा यहाँ मिलता है। कितना सारा घोड़ा अभी भी है, लेकिन जो घोड़ा था, जो घोड़ा को हम लोग देखने गए थे वो घोड़ा जा चुका था इसमें। और ये जो घोड़ा है इसके आँख को देखकर सब लोग कह रहे थे कि इसकी आँखें बढ़िया राय जैसी है, पता नहीं मुझे तो देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और यहाँ पे घोड़ा देख कर मीकू बोल रहा था मैं घोड़ा पे बैठूँगा, तो उसे घोड़ा पे हमने बैठा दिया था। और बस एक चक्कर यहाँ से वहाँ तक गए, थोड़ी दूर तक 30 रुपीज़ का एक चक्कर लगा दिए घोड़े वाले भैया ने। यहाँ पे रास्ते में मीकू का फेवरेट गाड़ी मिल रहा था, 250 करके बोल रहे थे। यहाँ पे हमने कुछ सामान लिए थे, डबल बैग वगैरह।
यहाँ पे भी आइसक्रीम और आइसक्रीम का देखना है देखो मुर्गा है ये फोटो लीजिए ना। तो अब हम लोग घूमते घूमते आ गए मौत का कुआं देखने के लिए। और मौत के कुआं में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक जो बाइक चला रही थी वो लेडीज़ थी, और वो इतने अच्छे से बाइक चला रही थी कि आप खुद देखिएगा मौत का कुआं। और ये ब्लैक वाली जो कंपनी देखिएगा। तो अब हम लोग घूमते घूमते आ गए थे, एक कुछ प्रोग्राम हो रहा था उसी में आकर के बैठे। चेयर यहाँ पे बहुत सारा चेयर लगा हुआ था, तो मीकू चाय बेच रहा था, तो मीकू बोला मुझे चाय पीनी है, तो हम लोगों ने उसे चाय दिया, दो कप चाय लिया और एक एक बस एक बार पिया, और वो बोला नहीं अच्छा लगता है, तो फिर वो पापा को दे दिया। ये नींबू का चाय था और मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मैंने चाय नहीं लिया था। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद रात हो रहा था, तो फिर हम लोग वापस लौट रहे थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय बोलो बाय बोलो।